पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले नलिन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, पीएम ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया, क्या ऐसी रिपोर्ट हाथ में लग गई है बीजेपी के कि सीधे सीधे जीत का दावा और जीत के बाद सीधे शपथ ग्रहण के लिए जो आपकी जनता को आमंत्रित कर लिया, ऐसा क्या आपके हाथ में लग गया? जुम करो। मीडिया से ही जो जानकारी आपके दर्शकों को सबको मिले हैं। अच्छा, कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार का एक एक सीमा है वो सीमा कई जगह पार कर गई है। ठीक है। अभी जो महादेव बेटिंग्स ऐप की अगर आप बात करें तो उसमें 500-600 करोड़ का डायरेक्ट लिंक ऐसा निकल रहा है, ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। अच्छा, मोदी सरकार का मॉडल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। अरे तू चला जा, बहुत थोड़ी मर्यादा रखिए। इसके बिल्कुल विपरीत मॉडल है अपना विकास अपने आप का विकास अपने परिवार का विकास। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बात आती है पीएम साहब के कॉन्फिडेंस की। पीएम साहब तो कर्नाटक में और हिमाचल में भी कॉन्फिडेंट थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। लवणे न भोज्यम। मजा आया। अभी कर्नाटक में उन्होंने परिवार के ही एक बच्चे को अपना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। येदुरप्पा जी जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके बेटे को शायद किसी दबाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाया होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बुआया। तो परिवार का विकास कौन कर रहा है नलिन भाई, ये तो पूरा देश देखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हो आप। अब बात आती है उनके पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है जो मोनिका जी बार बार पूछ रही हैं। इंडिया टीवी दर्शकों से पूछ रहा है कि भाई मोदी जी के पास कौन सी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट तो एक ही हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने कोई सेटिंग करके बताया होगा साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मोदी साहब पे बड़ा मेहरबान है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सही पकड़े हैं। भाजपा पर बड़ा मेहरबान है, मोदी साहब कोई घोषणा करें कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करें। आरोप जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, देने की फ्री आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, मैं ये आरोप केवल इंडिया टीवी पे नहीं लगा रहा, हमने राइटिंग में दिया है। देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जाकर 5 साल का फ्री के राशन को बढ़ाने की जो अपनी घोषणा है वो कैसे कर सकते हैं? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है क्या? ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? आप बोल लो मैडम। ये बौखलाई हुई भाजपा है और बौखलाहट में लोग इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं, और मोदी जी तो कभी भी वर्तमान में जीते ही नहीं, वो तो देश को भी भविष्य में ही जिताते हैं। 2022 में ये हो जाएगा, 2047 में ये हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही तो उन्हीं पर विश्वास ज्यादा करते हैं, हम पर नहीं करते। खैर साइकोलॉजिकल गेम है, भाजपा के प्रचार मंत्री ये थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा के प्रचार मंत्री तो यही कहेंगे, सॉरी प्रधानमंत्री। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बताना चाहिए बीजेपी को कि कौन पत्रकार था जिसने देश के प्रधानमंत्री से शर्त लगाने की हिम्मत की। क्या आज प्रधानमंत्री का स्तर यह हो गया कि चुनाव के लिए शर्त लगने लगी है पीएमओ में? हम तो सोच रहे थे केवल पीएमओ से शो आते हैं, फोन आते हैं मीडिया को और मीडिया फिर उस हिसाब से काम करता है। अरे ईडी सीबीआई सबको तो आपने मैदान में छोड़ रखा है, ये कुछ थोड़े बहुत जर्नलिस्ट बचे हैं न्यूट्रल टाइप, उनको तो कम से कम छोड़ दीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। राहुल जी बनाम मोदी जी की बात करते हैं, भाई हम मानते हैं राहुल जी जैसा नेतृत्व तो मोदी जी का कभी भी नहीं हो सकता, 7 जन्मों में नहीं हो सकता। एक तरफ डाली आलू, दूसरी तरफ आएगा सोना।
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। और मेरे नलिन भाई को तो ये पता ही नहीं है कि आलू से सोना निकलने वाला बयान राहुल जी का नहीं है, मोदी जी का है।